Good morning friends. In the last video you have learned meaning and features of business environment. A manager should be aware of his business environment so that he can identify and evaluate the changes to get certain benefits. So let's see importance of business environment. The first is it enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. Now what is this opportunity? Opportunities refer to the positive external trends or changes that will help a firm to improve its performance. Iska matlab hamare business environment mein bahut sari opportunities available hai. एक मैनेजर को इन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस में इन्वेंशन या इनोवेशन करना चाहिए ताकि मार्केट में उसका परफॉर्मेंस गुडविल प्रॉफिट मार्केट शेयर इम्प्रूव हो. फॉर एग्जाम्पल वोल्वो हैड फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन लग्जरी बस सेगमेंट इन इंडिया विद 74% मार्केट शेयर. Nike was the first company to give running shoes. Tata company ने lower income group people की need को identify करके most economic का नैनो दी. Pune based Mylab ने COVID-19 test kit बनाकर भारत की पहली company बनी. इसका मतलब इन companies ने इन individuals ने first mover advantage लिया. इसके लिए उन्होंने एनवायरमेंट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया. इसी तरह COVID-19 के दौरान नेसेसिटीज और मेडिसिन्स को छोड़कर पूरा मार्केट क्लोज हो गया. लोगों का बहुत नुकसान होने लगा. घर चलाने के लिए लोअर इनकम ग्रुप ने अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की और फ्रूट्स वेजिटेबल सेल करना शुरू कर दिया. इसी तरह फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मेडिसिन्स ऑफ COVID-19 मास्क सैनिटाइजर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना शुरू कर दिया. कुछ लोग जो इस फार्मास्यूटिकल बिजनेस में नहीं थे उन्होंने भी इन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया. इसका मतलब इन लोगों ने इस महामारी में भी अपॉर्चुनिटीज तलाश की. इसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि इस महामारी से उभरने के लिए हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मौकों की तलाश करनी है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेनिफिट लेना है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. द सेकेंड इम्पोर्टेंस इज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. नाउ व्हाट इज दिस थ्रेट? इट रेफर्स टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट थ्रेट्स एंड चेंजेस That will hinder a firm's performance. इसका मतलब हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए कि यदि हमारा कॉम्पिटिटर खुद के प्रोडक्ट में इन्वेंशन या इनोवेशन करे तो यह हमारे लिए एक थ्रेट है, धमकी है. इसे हमें वार्निंग सिग्नल यानी चेतावनी के रूप में लेना चाहिए कि यदि हमें मार्केट में सर्वाइव करना है तो हमें भी कॉम्पिटिटर के जैसे सिमिलर प्रोडक्ट बनाने होंगे या फिर उससे भी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करनी होगी या एडवर्टीजमेंट बढ़ानी होगी, अपनी कॉस्ट कम करनी होगी. कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना होगा ताकि हम कॉम्पिटिशन में रह सकें. फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन शॉपिंग इज अ थ्रेट फॉर ट्रेडिशनल शॉप्स. अ न्यू वर्जन ऑफ मोबाइल इज ऑलवेज अ थ्रेट फॉर द ओल्ड वन. Japanese auto manufacturer became a threat for American car market in late 1970s. Nokia company did not improve its mobile phone, so with the entry of new companies, it does not exist in the market. Now the third importance is helps in tapping useful resources. A business enterprise gets various resources like raw material, machine, money, human resource from the society. So it is the duty of the organization to provide better goods and services to the customer, pay taxes on time to the government, pay dividend to the shareholders and no harm to the natural environment. जैसे दिल्ली में कूड़े कचरे से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की फैक्ट्री लगाई गई.
इंडिया में स्किल्ड वर्कर्स बहुत कम वेजेस पर अवेलेबल है, सो फॉरेन कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स इंडिया में लगाकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकती है। इस तरह अवेयरनेस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प्स अ मैनेजर टू यूज यूजफुल रिसोर्सेज वेयर एवर इट इज अवेलेबल। नाउ द फोर्थ इम्पॉर्टेंस इज हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। एक मैनेजर को अपने बिजनेस एनवायरमेंट को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और सही समय पर सही डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि यह मार्केट स्टेबल नहीं है, यहाँ बहुत रैपिड चेंजेस होते हैं, यह डायनामिक है, कस्टमर्स की डिमांड बहुत इंक्रीज हो गई है, मार्केट में एज, जेंडर, इनकम वाइज बहुत से डिविजन्स और सब डिविजन्स हैं, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज होती है, ग्लोबल कंपटीशन है, इस कारण इस बिजनेस एनवायरनमेंट का नॉलेज एक मैनेजर को इस डायनामिक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए हेल्प करता है। नाउ द फिफ्थ इम्पोर्टेंस इज हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। यदि कोई मैनेजर एनवायरनमेंट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज कर ले तो वह ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग अपनी स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट कर सकता है और इन प्लान्स के लिए ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी भी बना सकता है। नाउ द लास्ट इम्पोर्टेंस इज हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अ मैनेजर कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन और कैन मेंटेन द सेम इन फ्यूचर इफ ही अडॉप्ट्स द चेंजेस न्यू प्रैक्टिसेस ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।